सो पार्ट टू वीडियो में हम लोग अब शुरू कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशंस आपके बुक में है, चौथी एक और इक्वेशन हम ऐड करेंगे फोर्थ इक्वेशन के नाम से। और सबसे पहले दो मेथड से हम इसको करने वाले हैं। आप लोगों के स्कूल में आप लोगों के टीचर्स ने जो मेथड कराया है आप वो कर लें। आंसर दोनों का वही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो एमसीक्यूज में ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा। किसी भी एक मेथड से स्कूल के पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर दोनों आपको मान्य करने का दोनों पढ़ लो, वरना स्कूल के हिसाब से। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं और इट इज वेरी इजी मेथड। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी शायद करा होगा, अगर उस टाइम पे आपका सिलेबस कट नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, मैंने तो करा था अपने नाइन्थ में। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहली इक्वेशन निकालने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग करेंगे स्लोप। याद रखना जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, चाहे वेलोसिटी का ग्राफ है या मेरा लिखा था, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है v, मतलब y एक्सिस बाय x एक्सिस। कौन सा? y एक्सिस बाय एक्सिस लिख रहा हूँ, वरना आप होगी y बाय x क्या है सुनोगे तो आप बोली। y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है और एक्सिस पे क्या लिखा है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है? पिछली वीडियो में कराया हमने अभी। तो बेसिकली जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या दर्शाएगा? एक्सेलरेशन। और याद रखना एक और चीज, जो स्लोप ऑफ कर्व होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टैन थीटा। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन टैन थीटा के बराबर है। एक्सेलरेशन का तो एक्सेलरेशन आ गया, टैन थीटा क्या है? टैन थीटा होता है क्या होता है बताओ? एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है सी बी और बेस है ए बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को तो मैं समझाना चाहूंगा, ये ग्राफ शुरू हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू से जो कि ए पॉइंट पे पहले है, तो ग्राफ नीचे से शुरू नहीं हो रहा, ग्राफ शुरू हो रहा है यहां से, और विद टाइम वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। विद टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब ये वेलोसिटी बढ़ रही है विद टाइम तो ये अब फाइनल पे आ गई, पर कितनी बड़ी वो देख रहे हो। सी बी दिखा रहा है कितना बड़ा, तो सी बी जो है वो है बी माइनस, क्योंकि ये वाला पार्ट तो काट दिया, क्या है ये बी माइनस, तो सी बी है v माइनस यू, और ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू ओ टी विच इज द टाइम। सो इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी है। इससे एक और चीज पता चलती है कि टी इक्वल टू v माइनस यू है, ये सब काम में आने वाला है, अपॉन ए है। इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर मैं टी को इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ए टी बराबर है v माइनस यू, और लास्ट में आ जाता है अगर यू को उधर फेंक दूं तो v इक्वल टू यू प्लस which is the first equation of motion। इसी में ही अगर मैं आगे बात करूं second equation निकालेंगे हम, एरिया अंडर स्लोप। क्या निकालेंगे? एरिया अंडर स्लोप निकालने के लिए ये y एक्सिस बाय x एक्सिस ना करके y एक्सिस इनटू x एक्सिस करते हैं। पहले क्या करा था? अपॉन में, अब इनटू। मुझे बताओ वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर स्लोप जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर स्लोप हम निकालेंगे दो दो एरिया, एक तो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। दोनों निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? मैं इस रेक्टेंगल बना रहा हूँ ए ओ बी। पक्की बात? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बच्चा? हाफ इंटू बेस क्या है ट्राइंगल का इंटू हाइट क्या है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? हाँ, ओ टी इंटू ओ ए। दिख रहा है? ओ टी इंटू ओ ए। पहले निकाला हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए, और इसके लिए s इक्वल टू यू टी ये रहा प्लस हाफ टी v माइनस यू
किसके बराबर है? पक्का? यहीं पे दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख दिया, आप देखोगे बिकॉज v माइनस u इक्वल टू 80 किसके बराबर है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये आपकी कौन सी आ गई? सेकंड इक्वेशन। पक्का? आ जाओ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हम दोबारा से निकालेंगे एरिया अंडर स्लोप जो कि s है, पर इस बार जो एरिया लेंगे सब लोग ध्यान से देखें, वो एरिया ट्रायंगल का ना लेके रेक्टेंगल का अलग अलग ना लेके ट्रेपीजियम का, इसका लेंगे। आप देखो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा है? ओ ए सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? ओ ए प्लस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है? ये तो टेढ़ा हो गया ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? 40 हाफ यू प्लस और 40 की जगह क्या आपको पता है टी की वैल्यू क्या है? ये मैंने पहले इसलिए बोल दिया कि आप इसलिए यूज कर लो, तो हाफ वी प्लस यू लिख सकता हूं इसे और वी माइनस यू बाय एस के बराबर है 2 ओवर ए अपॉन में उधर जाके और ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? और ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पक्की बात, सिंपल है, रुक जाए ठीक है। एक और इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, पहले समझेंगे कि फोर्थ इक्वेशन है क्या। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए। मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि हमने 9 सेकंड में 100 मीटर कवर किया, ठीक है, 9 सेकंड में 100 मीटर। पक्का? 9 सेकंड में 100 मीटर और टोटल 10 सेकंड में 125 मीटर कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 9 सेकंड्स में कितनी है? डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड्स में कितनी है? तो मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट 10th सेकंड में कितनी है? डिस्प्लेसमेंट 10th सेकंड, सिर्फ 10th सेकंड मतलब 1 सेकंड, कौन सा वाला? 9 से 10 कितनी है? 125 माइनस 100 लिखा होगा, करा होगा आपने, तभी तो 25 आया। 125 और 100 क्या है? S10 और तो जिस सेकंड की आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है वो सेकंड की टोटल माइनस उससे पिछले सेकंड, उससे पिछले सेकंड। पक्का? सामने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप निकालेंगे एस एन एथ, क्या निकालेंगे? एस एन एथ इक्वल टू 10th का तो 10 लिखा था, एस 10 की जगह क्या लिखेंगे? एस एन एथ एन माइनस एस 10 में से 1 का इससे पिछला सेकंड क्या है? 10 का पिछला सेकंड क्या है? 9। तो n का कितना है? n-1। याद रखना ये जो n-1 है और n है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इससे, ये दिखा रहा है बस, ये सबस्क्रिप्ट है। क्या है? सबस्क्रिप्ट। ये दिखा रहा है कि इधर वैल्यू डालना बेटा, कर दे शुरू। s nth n निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे और t की जगह लगा देंगे n, t की जगह क्या लगा देंगे? सब लोग समझ लीजिए, u n प्लस हाफ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर s n माइनस 1 का जब लेंगे तो आप फिर से सेकंड इक्वेशन में t की जगह n माइनस 1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? n माइनस 1 u t की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ a n-1, इसको बोल देंगे u n माइनस u, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस हाफ a को अभी खोलेंगे रुक जाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 1 इनटू n मतलब है पूरा बोल देंगे, इसमें क्या बन जाएगा? u n माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस हाफ से आपके n, हाफ से 2 कैंसिल, a और n बच गया, n से n, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। और से आ गई आपको क्या बोला है? एस एन माइनस
तो ऊपर वाली फॉर्मूले में लगाएंगे एस एन एफ इक्वल टू एस एन डी का क्या लगा देंगे यू एन प्लस हाफ माइनस ब्रैकेट बड़ा कर देंगे पूरा लिखना है यू एन माइनस यू नीचे लिख रहा हूं मैं ठीक है प्लस हाफ आपको सामने लिखना है प्लस हाफ ए माइनस ये पूरा ऐसा लिखोगे आप समझ रहे ना यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर साइन चेंज माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए कुछ कट रहा है यू एन से यू एन हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर क्या बचा यू प्लस ए एन पहले लिख रहा हूं माइनस हाफ ए बाद में लिख रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं है यू बचा ये देखो ए एन बचा और माइनस हाफ ए बचा ए को कॉमन निकाल रहा हूं दोनों में से निकल जाएगा और वन अपॉन टू को भी कॉमन निकाल टू को कॉमन निकालना मतलब ए बाई टू को कॉमन निकाल दो ध्यान रखना जब ए बाई टू को कॉमन निकलेंगे टू तो है नहीं तो इसे टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ए बन जाएगा और हाफ ए निकाल लिया कुछ नहीं बचा क्या बचा और ये होती है हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ ये पूरा जो है आपके चार इक्वेशंस हैं ग्राफिकली दूसरा तरीका इसको करने का है इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड सॉरी ग्राफिकल हो गया दूसरा तरीका है कैलकुलस मैंने ग्राफिकल लिख दिया दोबारा क्या कैलकुलस यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और जिन लोगों को इंटीग्रेशन नहीं भी आती है उन लोगों को भी आज कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि इधर से दो ट्रिक इंटीग्रेशन की काम आए पहली ट्रिक ये इंटीग्रेशन का साइन होता है अगर खाली dt लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है t जिसको नहीं आता इंटीग्रेशन उसके लिए बोल रहा हूं खाली dx लिखा है तो इंटीग्रेशन होगा x तो खाली dv लिखा है तो क्या होगा इसके अलावा अगर कहीं पे टी डी टी लिख दिया तो इंटीग्रेशन होगी टी स्क्वायर बाय और अगर वी डी भी लिख दिया तो इंटीग्रेशन होगी बस इस ट्रिक को यूज करके आप कैलकुलस सॉल्व कर सकते हो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो भी कैलकुलस से आंसर आ जाता है वो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का पावर में वन ऐड होता है जो पावर होती है वही नीचे जो पावर होती है वही नीचे ठीक है वो क्या अलग है बट उसमें अभी नहीं जा रहे कैलकुलस पहली क्वेश्चन सबसे पहले उठाएंगे क्या a इक्वल टू डी बाई डी टी इसको मल्टीप्लाई में लेंगे a डी टी बराबर किसके पक्का आया ना ठीक अब करेंगे इसको इंटीग्रेट क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे ए को बाहर रखेंगे और यहां पे डीबी की समझ रहे हैं ए इक्वल टू डीबी बाई डी टी हो गया आ गया ना ठीक है डी टी को मल्टीप्लाई में ले गए इंटीग्रेट कर दिया याद रखना जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें लिमिट्स लगानी होंगी क्या लगानी होंगी लिमिट्स हम अपनी तरफ से चुनते हैं डेरिवेशन है तो खुद ही करते हैं टाइम की लिमिट्स होंगी जीरो से टी तक और वेलोसिटी की लिमिट होगी इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी पक्का क्या बताया है डीटी की इंटीग्रेशन क्या है टी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा जीरो से और डीबी की इंटीग्रेशन क्या है यू से अब हम क्या करते हैं इसमें कि जो भी लिमिट्स हैं ऊपर वाली और नीचे वाली टी और जीरो लिखा है तो पहले लिमिट्स की जगह पे सॉरी इस वैल्यू की जगह पे टी की जगह पे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या करते हैं तो पहले टी की जगह पे टी लगाएंगे माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस टी की जगह पे अब जीरो लगाएंगे ऐसे ही सेम यहाँ पे वी की जगह पे वी लगाएंगे माइनस वी की जगह पे समझ रहे अपर लिमिट लगाएंगे पहले बाद में क्या लगाएंगे एटी बी माइनस यू बी इक्वल टू यू प्लस आ गई पहली इक्वेशन अभी ग्राफिकली आई थी अब किससे आ गई
सेकेंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन से खोलोगे याद रखनी है इसे पूरी, सेकेंड इक्वेशन खोलेंगे वेलोसिटी से, किससे v इक्वल टू dx बाय dt को मल्टीप्लाई करो, v dt किसके बराबर है, पक्की बात। क्या मैं वेलोसिटी की जगह पे u प्लस at लगा सकता हूं, तो ये आ जाएगा u प्लस at होल ब्रैकेट के बाद dt dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए आगे क्या हुआ, u dt को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, u इंटू dt प्लस बोलते हैं, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, प्लस a को बाहर निकाला, t dt की इंटीग्रेशन अलग से करेंगे और dx की टाइम का जो वो है वो क्या है, जीरो से, और dx को ले लो डिस्प्लेसमेंट है तो क्या ले लो, जीरो से yes. जीरो से yes. पक्का पक्का आ जाओ सामने, dt की इंटीग्रेशन t dt की इंटीग्रेशन और dx की इंटीग्रेशन, क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस a 2 को नीचे बाहर निकाल रहा हूं मैं, 2 तो नंबर है, नंबर की इंटीग्रेशन कर रही होती बाहर आ गया, क्योंकि यहां पे t स्क्वायर है, क्या है तो पहले t स्क्वायर माइनस 0 का इक्वल टू अपर लिमिट माइनस u इंटू t क्योंकि दूसरा तो 0 प्लस हाफ को बाहर निकाल लेते हैं a इंटू इसके बराबर तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर पक्का श्योर आ जाए थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की जो स्टार्टिंग है सब लोग सामने देख लें वो फिर से a इक्वल टू dv बाय dt से हो रही है, पर अगर हमने दोबारा से सेम वैल्यू करी तो आंसर तो यही आ जाएगा, तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे dx बाय dx, किसे ऊपर वाले टर्म्स को इधर उधर ले आ, ये बन जाएगा dx by dt, क्या करा dx को ले गए आगे dv को ले गए dv by, मुझे बताइए dx by dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ये, और ये dx जो है इसको मल्टीप्लाई में ले लो, एक ये dx मल्टीप्लाई में चला गया, a dx हो गया आया ना dvx by dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ए डीएक्स की एस जीरो से एस तक ऊपर भी लिए और डीबी की बी डीबी की यू से बी तक बी ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छा सॉरी पहले बता दो इंटीग्रेट होके बन रहा है एक्स जीरो से एस तक, बी डीबी की इंटीग्रेशन क्या है स्क्वायर बाय टू की इंटीग्रेशन कहां से यू से लेकर बी तक, यहां पे आज तो ऊपर से डाले ए एस माइनस जीरो वी की जगह पहले वी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे यू स्क्वायर अपॉन ए टू मल्टीप्लाई करो क्या बन गया टू ए एस, क्या आ गई कौन सी इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन भी ग्राफिकली हो सकती है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ग्राफिकली आप सॉरी ग्राफिकली बोल रहा हूँ कैलकुलस से भी हो सकती है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ पर करा नहीं रहा हूँ आप लोग खुद करेंगे, क्या करना होगा फोर्थ इक्वेशन जब आएगी आपको सेकेंड इक्वेशन की तरह प्रोसीड करना है, यहां तक आ गए बस लिमिट चेंज कर देंगे, क्या चेंज कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा यू डी टी की इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी की इंटीग्रेशन, ये फोर्थ इक्वेशन के लिए और डीएक्स की इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या है वहां पे जीरो से टी, यहां पे लेंगे लिमिट्स टाइम की एन माइनस वन से, दूसरा फिर से टाइम है एन माइनस वन से और डिस्प्लेसमेंट लेंगे एस एन माइनस वन से,
इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा n माइनस वन से n, ये आ जाएगा a बाई टू टी स्क्वायर n माइनस वन से n, और x आ जाएगा कहां से एस एन माइनस वन से, फिर लिमिट लगा दोगे t की जगह पे n माइनस t की जगह पे, फिर a बाई टू ऐसी n छोड़ देंगे, एन स्क्वायर माइनस एन एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको बंद करके ये लगा देंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये खुल जाएगा यहां से u n माइनस एन प्लस वन, ये खुल जाएगा यहां से a बाई टू एन स्क्वायर, ये पूरा बोल के लिख रहा हूं माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस का टू है, पूरा खोल दो सॉल्व हो जाएगा, और इसको पूरे को लेफ्ट कर देते हैं क्या एस एन एस, एन से एन कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एस एन एच इक्वल टू यू यू इंटू वन प्लस ए बाई टू टू एन आगे लगा दू, यही तो फोर्थ इक्वेशन है, तो मैं बोल रहा था मैं नहीं करा रहा, बस मैंने करा दी ये फोर्थ इक्वेशन, यहां तक सेम आएंगे, बस सेकंड इक्वेशन से लिमिट चेंज होगी, क्या चेंज होगी, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, तो ये आपकी दोनों तरह से डेरिवेशन हो गई, एक हो गई ग्राफिकल, दूसरा हो गया कैलकुलस।